अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने साइबर क्राइम करने के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 25 मोबाइल सिम कार्ड, एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक विकास अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बिना नंबर की बलेरो गाड़ी में 10 लोग बैठकर अलवर शहर की ओर आ रहे थे। तभी पुलिस ने टेलको चौराहे पर नाकाबंदी करते हुए मथुरा फाटक ओवरब्रिज के पास से गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी सहित लोगों को शिवाजी पार्क थाने पर लाया गया, जहां पर इन लोगों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि ऑनलाइन चैट करके ओएलएक्स पर वाहनों को बेचने का विज्ञापन डालकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। फर्जी तरीके से सिम खरीदकर लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप को ओएलएक्स व अन्य सोशल साइट के माध्यम से धोखा देकर व सेक्स चैट व सोशल साइट पर वाहनों के विज्ञापन फोटो दिखाकर और सेना के जवान बनकर ब्लैकमेल कर लोगों से रुपए ऐंठने पर 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 27 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक मोटरसाइकिल, एक बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप, बिजनेस अकाउंट व अन्य फोन पे, गूगल, पेटीएम व फेसबुक अकाउंट की चैट को चेक कर किसी लड़की द्वारा न्यूड होकर गंदी हरकत करते हुए का वीडियो चलाकर अगली पार्टी को गंदी हरकत करने के लिए उकसाकर संबंधित पार्टी को स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भेजकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठते थे। पकड़े गए आरोपियों ने अब तक करीब 80 लाख रुपए की लोगों से ऑनलाइन ठगी की है। देखिए आईजी साहब, एसपी मैडम और एडिशनल एसपी मैडम के निर्देशन में साइबर ठगों और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ एक अभियान किया जा रहा है, जिसके तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उसी के क्रम में कल शाम करीब 6 बजे हमें सूचना मिली थी कंट्रोल पे कि 10-12 साइबर ठगों की एक टीम है जो एक बिना नंबरी सफ़ेद रंग की बोलेरो से शहर की तरफ आ रही है। ये सूचना मिलने पे डीएससी टीम और थाने की टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी टेलको पॉइंट पे की गई थी, तो वहाँ पे नाकाबंदी को देखते हुए उन्होंने हनुमान ये ओवरब्रिज की तरफ जो है भागने की कोशिश की, तो उसी में घेराबंदी करते हुए टीम ने उनको पकड़ लिया और बाद में थाने पे लाके उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में सामने आया कि उनके पास करीब 11 अभियुक्त थे। ये इनके पास करीब 27 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप जब्त हुआ और प्रथम दृष्टया तौर पर अभी तक की गई जानकारी के मुताबिक करीब 80 लाख रुपए तक की ये ठगी लोगों से कर चुके थे। किस तरह से सर ठगी करते थे, कोई? इनके दो तरह के मॉडल्स ऑपरेंडी हैं, जिसमें एक में ये लोग ओएलएक्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट डालते हैं और लोगों को कुरियर चार्जेस और इस तरह के चार्जेस बता के उनसे पैसे ऐंठते हैं। इसमें ये विशेष तौर पर आर्मी के और डिफेंस के लोगों की आईडीज़ को इम्पर्सनेट करते हैं और उनकी फ़ोटोज़ को शो करके ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं और उससे फिर लोगों को ठगते हैं। एक ये है। दूसरा जो तरीका आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं ये है कि ये किसी भी लड़की की उनको मोबाइल न्यूड वीडियो क्लिप मिल जाती है और उस वीडियो क्लिप के साथ लोगों के साथ चैटिंग करते हैं। अब वो चैटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि फेसबुक पे जनरली एक प्रोफाइल बनाते हैं लड़कियों की और वहाँ से अनजान लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब ये देखते हैं कि वो हनी ट्रैप हो गए हैं तो उनको व्हाट्सएप पे लेके आते हैं और व्हाट्सएप पे उनके साथ वीडियो कॉलिंग के बहाने उनके साथ एक न्यूड क्लिप बना लेते हैं और उसके बाद ये लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें परेशानी ये होती है कि जिसकी वीडियो क्लिप बन गई है वो भी शर्म के मारे या किसी भी और कारण से रिपोर्ट तक नहीं करता है और ये उनसे पैसे बार बार 5,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से मांगते हैं। किधर की साइड के रहने वाले हैं करीब? अभी जो ये साइबर ठग थे ये बेसिकली सेमला और कैमासा गांव के मिले हैं, जो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो यही ज़्यादा बड़ा जोन है जो भरतपुर के साथ लगता है। कैसे नाम है सर?